पुण्यात आज केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या उपस्थितीत या 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 जी ट्वेंटी दक्षांच्या शिक्षणमंत्र्यांची बैठक झाली शिक्षणाच्या माध्यमातून नवजागृती आणण्यासाठी या बैठकीत सर्व देशांनी सहमती दर्शवली असं धर्मेंद्र प्रधान यांनी या बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितलं या बैठकीच्या घोषणापत्रात जी ट्वेंटी देशांमधील पाच प्रमुख मुद्द्यांवरही सहमती दर्शवण्यात आली यात डिजिटल शिक्षण सर्वसमावेशक आणि दर्जेदार शिक्षण संशोधन नवोन्मेष मूलभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान तसंच भविष्यातील कौशल्य यांचा समावेश आहे अशी माहिती त्यांनी दिली जी ट्वेंटी देश ज्ञान कौशल्य आणि सामाजिक आर्थिक दरी भरून काढण्यासाठी आणि समृद्ध जग निर्माण करण्याच्या दृष्टीनं नागरिकांना सक्षम करण्यासाठी एकत्र एक काम करतील असं धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले आज एक शिक्षा के माध्यम से मानवता का एक नव जागृति हम करें इसी की एक निकस इसकी एक कॉन्फ्रेंस इस जी ट्वेंटी पुणे की कॉन्फ्रेंस में हमको उपलब्धि हुई है लंबे समय तक मैं आपके सामने ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूं लंबे समय तक भारत की केवल भारत की नहीं दुनिया की एजुकेशन प्लानर्स की डायरी में पुणे जी ट्वेंटी विल बी ए लैंडमार्क पॉइंट यहाँ जो निर्णय हुआ टेक्नोलॉजी को लेके छोटे बच्चों को पढ़ाने को लेके नए प्रकार की स्किल को आडप करने को लेके ये सारे के लिए डीप टेक रिसर्च डीप साइंस रिसर्च कैसे हो ये सारे कामों में आप सबने मिलकर उसको बहुत सफल बनाया